हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल। अगर आप एक पेटीएम यूजर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पेटीएम की तरफ से आने वाले एक नए बैड खबर के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप पेटीएम में एड मनी करते हो तो अब आपको 5% तक चार्ज देना होगा, तो वो चार्ज आपको कौन से एड मनी पर लगेगा वो भी इस वीडियो में बात करेंगे, और इस चार्ज से हम कैसे बच सकते हैं तो एकदम जेन्युइन तरीका है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर से देखना। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं नया चार्ज कौन सा है। सो गाइज, मैंने अपने दूसरे फ़ोन में पेटीएम को लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे कैमरा से रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता तो यहाँ पे पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाते। तो अब देख सकते हो यहाँ पे कौन से एड मनी पे यहाँ पे अपडेट आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पेटीएम का सेविंग अकाउंट यूज़ करते हो तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। अगर आप पेटीएम वॉलेट में एड मनी करते हो तो यहाँ पे आपको 5% तक का चार्ज देना पड़ सकता है, जो कि 2% भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब पेटीएम वॉलेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम कौन से ऑप्शन से अगर ऐड मनी करते हैं तो उसमें हमें चार्ज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक अमाउंट इंटर कर लेते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाना है। तो यहाँ पे 100 रुपये इंटर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करते हो तभी आपको चार्ज देना होगा, जो कि पहले 2% था और अब बढ़ा के 5% तक कर दिया है, जो कि सभी यूज़र को समान नहीं है, किसी को ज़्यादा है और किसी को कम यहाँ पे चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम पेमेंट वाले पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे नीचे चलते हैं। देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे डेबिट कार्ड ऐड कर रखे हैं और मेरा ICICI क्रेडिट कार्ड है, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे CV इंटर करते हैं, जो कि यहाँ पे एक बार CV कोई गलत इंटर कर देते हैं, फिर यहाँ पे पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही पे पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 100 रुपये एड मनी के लिए लगाए हैं और चार्ज यहाँ पे दिखा रखा है 2.07, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें 2% यहाँ पे चार्ज दिखा रखा था, तो कि बढ़ा के 2.07 दिखा रखा है और किसी को 3% भी देना पड़ रहा है और किसी को 5% भी देना पड़ रहा है। तो अगर आप पेटीएम से अपने क्रेडिट कार्ड की मनी ऐड करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे पेटीएम वालों ने साफ साफ लिख रखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से ऐड मनी करते हो तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसको हमें ज़्यादा चार्ज देना होता है, इसलिए हमसे ये ज़्यादा चार्ज यहाँ पे ले रहे हैं। तो देख सकते हो 2.07% यहाँ पे चार्ज दिखा रखा है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेटीएम में ऐड मनी करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चार्ज देना हो सकता है। अगर आप अपने अकाउंट में चेक करके देखोगे तो हो सकता है चार्ज आपको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को पेटीएम वॉलेट में ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे कितना ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। तो मेरे को तो यहाँ पे 2.07 ही देना पड़ रहा है, तो आप साइड में स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जिसमें यहाँ पे 3 कुछ यहाँ पे चार्ज दिखा रखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस चार्ज से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को पेटीएम वॉलेट में ऐड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। अगर आप अपने मनी को बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, जो क्रेडिट कार्ड की मनी है उसे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो इससे भी एक ईजी तरीका है जिसका मैंने प्रॉपर वीडियो बना के बता रखा है, जो कि मैंने 2 तरीके बता रखे हैं जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो और बहुत ही कम चार्ज देखने को मिलता है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि पेटीएम में एड मनी पर एक नया चार्ज लग रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर अभी तक आपने मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको चैनल के अबाउट मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।